हाँ हाँ दोस्तों राजवंत सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ स्टोरी क्या है ये स्टोरी ये है कि कोई आदमी सड़क पर खड़ा था और बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ था बरसात हुई हुई थी सड़कें टूटी हुई थी सड़क के सामने वो आदमी अपनी शर्ट उतार कर लोगों को रोकने का इशारा कर रहा था कि आप रुक जाओ आगे जो है सड़क टूट गई है नहर का पुल है जो टूट गया वहाँ पर आपका एक्सीडेंट हो सकता तो हमारा जैसे नेचर है हम प्रवाह नहीं करते कोई आदमी हाथ दे रहा है रात को शाम को तो हम सोचते हैं पता नहीं ये ज़रूरतमंद भी हो सकता है कि यार हमें लेने लेने के लिए या पागल हो सकता है या कुछ और हो सकता है लेकिन कई बार हम ऐसे परवाह नहीं करते और वो हुआ रिजल्ट क्या हुआ कि वो आदमी रोकने की कोशिश करता रहा लेकिन जो नहीं रुके वो सीधे जाके नहर में गिर के बहते गए तो जो जो उसकी बात जिसने सुन ली वो उसने रोक के बताया कि इस तरीके से पुल टूटा हुआ है आप इस तरीके से इस इधर से जा सकते हो सेफ़ हो तो जो उसकी बात मान गए वो तो सेफ हो गए लेकिन जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी वो सारे मतलब बहते चले गए कितना नुकसान परिवारों का नुकसान हो गया मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है आपको कि यदि कोई आदमी आपको कुछ समझाना चाहता है तो वो आपके भले के लिए ही बात करता है आप उसकी बात सुनो जरूर आपने कितनी माननी है कितनी नहीं माननी ये बाद की बात है लेकिन आपको उसकी बात सुननी ज़रूर चाहिए ताकि ऐसा ना हो जिस तरीके की ये स्टोरी है कि वो आदमी अपनी लाल शर्ट उतारने के बाद भी लोगों को नहर में गिरने से बचाने में नाकामयाब रहा सो हमने देखना है कि हम कैसे किस तरीके से जो सामने वाला आदमी है हमें कह रहा है कोई हमें गलत कह रहा है ठीक कह रहा है एक बार रुक के देख लो पूछ लो उसमें क्या जाता है आपका यदि एक मिनट आपका ख़राब भी हो जाएगा तो क्या कोई तो क्या टेंशन है लेकिन यदि आपने उसकी बात सुनी होती तो वो लोगों ने जिन जिन लोग नहर में बह गए वो नहर में ना बहे होते सो दोस्तों इसी तरीके से मैं भी कहता हूँ कि हम भी ये आपके लिए जो चैनल है प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल है ये आपके लिए ही है हम आपको रोकना चाहते हैं रुक जाओ आपका नुकसान ना हो आपका ये कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए आपका फाइनेंशियल नुकसान ना हो जाए आपका सोशल नुकसान ना हो जाए हम भी आपको रोकने की कोशिश करते हैं कि रुको देखो कि किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है कहाँ कौन कौन सी आपके लिए जो रोड है कौन कौन सी साइड है वो सेफ़ है सो दोस्तों आपने बिना देखे रिजेक्ट नहीं करना कुछ भी रिजेक्ट नहीं करना और बिना रिजेक्ट करने के आपने आगे बढ़ना है आ, बिना रिजेक्ट करने के आपने बात सुननी है और बात सुन के फिर आगे बढ़ना है सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ आ जाएगा कि आपने आगे बढ़ने से पहले जब ख़ास करके जब आप कन्फ्यूज़ हो तो आपने सलाह जरूर ले लेनी है सलाह किसकी लेनी है जो जानकार है जो आपका जानकार है वो नहीं जो सब्जेक्ट का जानकार है चाहे वो मेडिकल लाइन हो चाहे वो लीगल लाइन हो चाहे वो प्रॉपर्टी की लाइन हो चाहे वो टीचिंग की लाइन हो किसी तरीके की आपने उन बंदों का उन बंदों की सलाह जरूर लेनी है जो लाइन के मास्टर आदमी हैं सो so, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इससे इसमें छोटा सा मैसेज है यदि आप अपनी ज़िंदगी में उतारने में कामयाब हो जाते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है थैंक यू वेरी मच मिलता हूँ जल्दी जल्दी एक नए टॉपिक के साथ वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में दे देना मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आप अपना ध्यान रखें के, टेक केयर थैंक यू